बहुत ही उम्दा बॉलिंग। एक गेंद अब तक 6 रन दे चुके हैं समी और एक और वाइड। लाइन और लेंथ ना अच्छी कर पा रहे हैं समी। बॉलर अच्छे हैं मगर लाइन और लेंथ की वजह से समी आए थी मिसफील्डिंग, जिसकी वजह से एक गेंद अब तक 10 रन आ चुके हैं। समी प्रेशर में आ गए हैं और कप्तान उन्हें समझाते हुए शॉट खेला। दो गेंदों पे 10 रन आ चुके हैं। वाइट से ज्यादा रन है एक्स्ट्रा के, मगर इन्होंने एक रन आउट किया एक गेम खिलाड़ी को। समी अपने रन पे तैयार, 38 रन का शायद देखना होगा, नॉट आउट। गेंद समी के शूज के लगने के बाद विकेट पे लगी, तो अब अपील की थी एम स्कूल के फील्डर्स ने मगर एम्पायर एम्पायर का जवाब नॉट आउट। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं समी। वाइट के बाद दोबारा आए गेंद की और इस बार अच्छी बॉल पीट हुए। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मगर लगा ना पाए। मोहम्मद समी अपने रनअप पे तैयार हैं और आए बॉल की इस बार फुल टॉस गेंद। फील्डर मौजूद मगर उनसे छह गेंदों पे छत्तीस के अंदर दौड़ते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर कराने आए हैं। आए बॉल कराई और अच्छी बॉल एमके, अच्छी बॉल कर रहे हैं मुस्तफा खान। विकेट बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है और आए बॉल कराई और इसे फ्लिक किया लॉन्ग ऑन की जाने। सिर्फ एक रन मिलेगा दूसरे रन के लिए दोनों और सिर्फ एक ही रन बन सका। एम के दौड़ते हुए आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल कराई और इस बार हवा में गेंद और फील्डर गेंद के नीचे और दोनों फील्डर्स के दरमियान में गेंद गिरी और एक रन बनाया दूसरे के जल्दी करनी होगी मिस है और सकून से जिसे कहते हैं आउट और सकून से आउट किया अहमद ने। एक जगह पे दोनों टीमें दोनों प्लेयर्स जमा हो गए और बैट्समैन और जिसके बाद एम स्कूल ने क्वालिफाई कर लिया है मैच जीतकर और डी साइंस का मुकाबला होगा एम स्कूल के साथ और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया अपनी फतह के बाद और क्वालिफाई कर गए हैं। क्वार्टर फाइनल के साथ डी साइंस के इनका मुकाबला होगा एक बड़ा टकरा जिसका सबको इंतजार होगा परसों। सलाम आए हम दस्तों की सलामी है।
खुशियां मनाए। लाइफ रोक दे।